राधा और उसकी सहेलियाँ बहुत ही मस्ती करती थीं और पढ़ाई में भी सभी बहुत अच्छी थीं। स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग क्लास रूम होते थे, पर कभी कभी टीचर की छुट्टी के कारण क्लास एक साथ लगती थी। तब एक लड़का था जो हर वक्त राधा को ही देखता रहता था। राधा को उससे बहुत डर लगता था। फिर एक दिन दोबारा टीचर की छुट्टी के कारण बॉयज़ और गर्ल्स की क्लास साथ में लगी और वो लड़का क्लास में आते ही राधा की तरफ देखने लगा। राधा बहुत डर गई थी, उसको लड़कों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्योंकि उसकी कई सहेलियों के साथ उनके बॉयफ्रेंड ने उनसे झूठा प्यार करके ब्रेकअप कर लिया था। जब भी कोई टीचर नहीं आती थी तो क्लास साथ में लगती थी और वो लड़का क्लास रूम में आते ही राधा को देखता रहता था। अब शुरू होती है उस लड़के के झूठे प्यार की कहानी। दोस्तों, राधा उसका नाम तो नहीं लेना चाहती क्योंकि उसके नाम और उसके चेहरे से बहुत ही नफरत हो गई है। करीब एक महीना तक ऐसा ही चलता रहा। वो लड़का जब भी राधा को देखता तो बस देखता ही रहता था और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। वो डायरेक्ट राधा के पास आकर उसको एक लेटर देकर चला गया। राधा ने उस वक्त तो उस लेटर को फेंक दिया, पर राधा की एक फ्रेंड ने कहा कि लेटर तो उठाओ और उसको पढ़कर देखो कि उसमें लिखा क्या है। राधा की सहेली की कहने पर राधा ने उस लेटर को उठाया और अपने बैग में रख लिया। फिर जाकर स्कूल बस में बैठ गई और घर चली गई। राधा घर पहुंचते ही सबसे पहले बैग को खोला और उसमें से उसका दिया हुआ लेटर निकाला और अपने रूम में गई। रूम का दरवाज़ा बंद करके राधा आराम से उस लेटर में लिखी हुई बात को पढ़ने लगी और उसकी बातें पढ़ने के बाद थोड़ी इमोशनल सी हो गई थी। फिर अगले दिन जब राधा स्कूल गई तो सीधा अपने क्लास में पहुंची और बैठकर उसकी लिखी हुई बातों को सोचने लगी। उसने जिस तरह से लेटर में बातें लिखी हुई थी उसे पढ़कर शायद मुझे भी उससे प्यार हो गया था। और उसके बाद वो चार दिन तक स्कूल नहीं आया। राधा के दिमाग में पता नहीं क्यों उसकी बातें घूम रही थी। उसके बाद वो पांच दिन के बाद स्कूल आया। राधा उसको देखकर बहुत खुश हुई और उस दिन छुट्टी होते ही राधा क्लास से बाहर निकली तो वो आया और राधा से जवाब पूछने लगा। राधा ने उसको उसी वक्त हाँ बोल दिया। वो बहुत खुश हुआ और फिर उसने मुझे उसका मोबाइल नंबर दिया और बोला घर जाकर कॉल करना। राधा ने कहा ठीक है और करीब एक साल तक राधा और उसके बीच ऐसी ही बातें चलती रहीं। दोनों ही बहुत खुश थे, पर जैसे जैसे राधा ने 11th क्लास के एग्ज़ाम दिए तो उसने 12th क्लास के दिए। फिर दोनों ने न्यू स्कूल में एडमिशन ले लिया। उसके बाद भी राधा की बातें होती थीं, लेकिन फ़र्क बस इतना था कि अब रोज़ एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, लेकिन कभी कभी दोनों पार्क में मिल लिया करते थे और कई बार दोनों बाइक से लॉन्ग ड्राइव पर भी जाते थे। वो बाइक बहुत तेज़ चलाता था और राधा को बहुत ही डर लगता था और राधा उसको पीछे से पकड़कर बैठ जाती थी। फिर 12th क्लास के भी 3 से 4 महीने ऐसे ही बीत चुके थे और राधा ने एक दिन उसको कॉल किया तो उसने उठाया नहीं। राधा को लगा कि वो किसी काम में बिजी है इसलिए नहीं उठाया होगा। तब राधा ने सोचा फेसबुक पर ही मैसेज कर देती हूँ, लेकिन उसने वहाँ पर ब्लॉक किया हुआ था। राधा को बहुत दुख हुआ
तो फिर राधा ने उसको फिर से कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। तब राधा ने न्यू फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया और उसकी आईडी को देखा। राधा ने उसकी आईडी में जो देखा वो देखते ही उसका दिल टूट गया। उसने देखा कि उसने एक पोस्ट की हुई थी जिसमें उसने किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप डाला हुआ था। ये सब देखकर राधा बहुत रोई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। उस दिन से राधा ने कसम खा ली कि अब कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी, अगर करूंगी भी तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल लूंगी। मैं जिस पर खुद से ज्यादा भरोसा करती थी उसी ने आज इतना बड़ा धोखा दे दिया। बस मेरी गलती इतनी थी कि मैं उसको ठीक से पहचान नहीं पाई। मैंने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया और उसने एक पल में सब खत्म कर दिया। जब उसे किसी और से प्यार था तो मेरे साथ क्या था। मैं बस इतना कहूंगी कि किसी से प्यार तभी करो जब उसे निभा सको। किसी का दिल मत तोड़ो, सच में बहुत दुख होता है यार। दिल कोई खिलौना थोड़ी है कि जिसका भी मन किया खेल के चला गया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।